हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद है रिलैक्सेशन आईटी में। आज हम लैब करेंगे, पोलो ऑल्टो पे लैब करेंगे, और आज मैं आपको पोलो ऑल्टो पे समझाऊंगा कि हाई अवेलेबिलिटी कैसे करते हैं। तो आज जो मैं आपको लैब कराऊंगा हाई अवेलेबिलिटी के लिए, इसके पास हाई अवेलेबिलिटी का यही होता है कि मतलब आपके एनवायरनमेंट में कम से कम दो फायरवॉल हो। तो अभी जो मैं आपको लैब कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको टेस्टिंग में करवा रहा हूँ, तो मैं एक ही फायरवॉल पे आपको बता दूंगा कि इसकी लैब कैसे कन्फिगर होती है हाई अवेलेबिलिटी की। तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए आपके पास कम से कम दो फायरवॉल होने चाहिए। तो मेरे पास अभी आप देख सकते हैं, अभी एक फायरवॉल है, तो मैं आपको एक वर्चुअल बना के दिखाता हूँ। ये फायरवॉल है गाइस, और इनमें कुछ बॉक्सेस बना देते हैं हम। ये आपके लिंक है, ओके। ये भी पालो अल्टो की फायरवॉल है हमारी। तो गाइस, इसमें आपके कुछ इसमें दो तरह के मोड होते हैं गाइस, हमेशा याद रखिएगा। एक ए होता है और ए होता है, ओके। ए जो होता है हमारा एक्टिव एक्टिव होता है, ये हमारा ए जो होता है एक्टिव एक्टिव होता है। ये जो हमारा ए होता है गाइस, ये एक्टिव एक्टिव होता है, कि मतलब समझ लें कि आपकी दोनों फायरवॉल अप हैं, ओके। ये दोनों फायरवॉल आपकी, ये भी अप है और ये वाली फायरवॉल भी आपकी अप है, ओके। अप है और आपका डेटा जो जा रहा है इसमें से भी होता हुआ जा रहा है और इसमें से भी होता हुआ जा रहा है, ओके। और इसमें आपका NLBUB भी चलता है, मतलब समझ लें कि आपका लोड बैलेंसिंग हो रहा होता है, कि कुछ डेटा इधर से होता हुआ जा रहा होता है क्लाइंट्स का, कुछ डेटा इस फायरवॉल से होता हुआ जा रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव एक्टिव। और एक्टिव पैसिव जो होता है हमारा, एक्टिव पैसिव में होता है कि हमारी जो भी एक डाउन होगी, मतलब समझ लें आपकी ये फायरवॉल डाउन हो गई, तो ये अप हो जाएगी, ओके। ये अप, ये फायरवॉल आपकी अप हो जाएगी। और इसमें डेटा जो होता है कि आपका सीधा पैरेलल प्रोसेसिंग की तरह जा रहा होता है, कि जैसे ही इसमें से डाउन हुआ तो फिर डेटा इसमें से जाना शुरू हो जाएगा, ओके। और इसमें कुछ आपस में लिंक कनेक्ट होते हैं हमारे, ये लिंक बने होते हैं इसमें। HA1 होता है और ये कॉल लिंक होता है, HA2 होता है हमारा, और एक होता है HA3 होता है, ओके गाइस। ये तीन तरह के लिंक होते हैं इसमें। मैं आपको बताता हूँ अभी पूरा तफसील से इसके। HA1 का, HA1 जो होता है हमारा, HA1 ये हमारा करता है कंट्रोल प्लेन पे, ये हमारा कंट्रोल प्लेन पे काम करता है, ओके गाइस। HA1 हमारा कंट्रोल प्लेन लिंक पे काम करता है, कंट्रोल प्लेन लिंक, मतलब समझ लें इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन जारी होती है, मतलब समझ लें हमारे इसकी हाई अवेलेबिलिटी की, हार्ट बीट की इंफॉर्मेशन जारी होती है, हार्ट बीट की यहाँ से इंफॉर्मेशन जारी होती है, और लेयर्स की इंफॉर्मेशन जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास अप हो रही होती है, और इसकी इंफॉर्मेशन चेक करता रहता कि ये हमारी फायरवॉल अप है, ओके गाइस। इन दोनों की इंफॉर्मेशन होती है, और ये दोनों की अपनी इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं कि मैं हम दोनों अप हैं, ओके। इन दोनों को चेक करता हूँ। HA2 जो होता है हमारा, HA2 जो होता है हमारा डेटा प्लेन लिंक होता है, ओके। डेटा प्लेन लिंक होता है, इसमें जो होती है आपकी, इसमें भी आपकी इंफॉर्मेशन जारी होती है पूरे दोनों पोलो ऑल्टो की इंफॉर्मेशन होती है, और ये भी लेयर टू पे ही काम करते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन जाती है। और HA3 होता है ना हमारा, ये वाला HA3 जो होता है ना गाइस, HA3 हमारा ये इंफॉर्मेशन करता है कि मतलब समझ लें कि आपका ये क्लाइंट है और कोई ब्राउजिंग कर रहा है, कोई स्ट्रीमिंग चला रहा है, कोई भी यूट्यूब पे बैठा है,
यूट्यूब पे कोई भी है वीडियो चला रहा है कि उसका जो है हमारा H3 में ही होगा कि लिंक उसका डाउन नहीं होगा, कि मतलब जो वीडियो चल रही होगी वो अप ही रहेगी और वो उसी से ना ये फास्ट होता है, काफ़ी फास्ट डेटा डेटा लिंक ट्रेवलर होता है, तो इसमें आपका लिंक डाउन नहीं होता। और ये जो H3 होता है ना, ये हमारी बिगेस्ट फायरवॉल में होता है, मतलब जो बड़ी फायरवॉल होती है ना उसमें होता है ये ऑप्शन। और H2 में ये होता है कि अगर वो क्लाइंट बैठा हुआ है, और H1 में भी ये ऑप्शन होता है, यही होता है कि अगर क्लाइंट बैठा हुआ है उसका लिंक कोई एक डाउन हुआ और दूसरा लिंक पर है और उसको दोबारा पेज अपना रिफ्रेश करना पड़ेगा, स्ट्रीमिंग रुक जाएगी, कोई भी सेशन खोले हो तो वो रुक जाएंगे, और H3 में ये नहीं होता। ओके गाइस, तो आज मैंने अभी आपको हाई एबिलिटी के बारे में बताया इसमें क्या क्या होता है। तो चले हम इसकी लैब करते हैं, ये हमारी पोल वॉल्ट है, हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। ये लॉग इन हो रही है गाइस, ये हमारी फायरवॉल लॉगिन हो चुकी है। अब हमें नेटवर्क में जाएं आप, और यहाँ पे जाने के बाद आपको इंटरफेस ऐड करवाना पड़ेगा। हम इंटरनेट इथरनेट फोन ले लेते हैं, तो ये देखें जहाँ से आप इंटरफेस टाइप करेंगे ना, तो इंटरफेस टाइप तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा H A होता है हाई अवेलेबिलिटी। ओके, H A सेलेक्ट करें और इसको फिर आप H A को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दें। ओके, तो ये आपका इथरनेट 4 जो हमारा हाई अवेलेबिलिटी के लिए बन गया है। अब हमें डिवाइसेस में जाना पड़ेगा, अब डिवाइसेस में आने के बाद आपको ये सेटअप के नीचे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे हाई अवेलेबिलिटी आ रहा होगा। जनरल के टैब पे जाएं और जहाँ से आप सेटअप के इस पर क्लिक करें सेटिंग पे, और इसको HA इसको अनेबल कर दें, और अनेबल करने का इसकी ग्रुप आईडी आप बंद कर दें। ओके, बंद कर दें डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये देखें एक्टिव पैसिव मोड कौन सा, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव, हम क्या कौन सा यूज़ करेंगे, एक्टिव एक्टिव। और अपने पेयर की H1 की IP दें, मतलब दूसरे फायरवॉल की, मैं दूंगा 192.168.1.2.1.0। ओके, और ये अनेबल कॉन्फ़िगर सिंक पे चेक लगा दें, अगर नहीं लगा हुआ तो उसको फिर आप ओके कर दें। और ये हमारा एक्टिव पैसिव सेटिंग है कि लिंक क्या हो, स्टेट क्या हो, पैसिव लिंक का स्टेट शट डाउन हो, आर्ट हो, तो हम शट डाउन पे रहने देंगे इसको, ओके कर दें। ओके, एक्टिवेशन सेटिंग्स, ये डिवाइस प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी डिवाइस प्रायोरिटी 100 रहने दें। और ये प्रीम से होता है कि प्रीम का मतलब ये होता है गाइस कि समझें कि आपकी अगर एक फायरवॉल शट डाउन हो जाए ना, मतलब डाउन हो गई और वो दोबारा अप हो जाए, तो वो जो दोबारा अप होगी वो उसको दोबारा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख देगा, क्योंकि उसको फर्स्ट पे ही रखेगा, दोबारा वो पहले पे आ जाएगी, वो सेकंड वाली सेकंड पे आ जाएगी। ओके, तो इस पर चेक लगा दें, और टाइमर अगर आपको सेट करना तो कर दें। ओके, तो ये करें कंट्रोल लिंक H1, ये हो गया H1। अच्छा, कौन से हमने पोर्ट को सेट करा था इसमें, इथरनेट 41/4 को, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर अपने उस फायरवॉल की IP दें जिस पर भी हमने इथरनेट सेट करा था उसकी IP देंगे उसको, और इसका गेटवे आप रहने दें, क्योंकि गेटवे हमें सेट नहीं करना पड़ता, जो हमारा जिस तार से दोनों फायरवॉल आपस में होती हैं, हम इथरनेट 4 की एक तार पे के भी लगाएंगे, दूसरे 4 पे लगाएंगे, और हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, गेटवे नहीं देंगे क्योंकि ये क्रॉस ओवर केबल होता है। ओके, उसको ओके करने का तो ओके कर दें, तो ये आपका HA कन्फिगर हो गया। ओके गाइस, ये हमारा HA कन्फिगर हो गया। कंट्रोलिंग H1 बैकअप होता है, बैकअप आपको दोबारा एक और लिंक सेट करना है इसका, अगर आपका पेयर ख़राब हो जाए, केबल ख़राब हो जाए, तो उसके लिए भी आप, और ये डेटा H2 होता है हमारा। ओके गाइस, आज मैंने आपको बताया कि इसकी हाईवेलिटी की कैसी होती है, तो इसकी खाली मैं आपको भी समझा दिया कि इसका कैसे होता है कन्फिगर इसके लिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको नेटवर्क पर आना पड़ेगा, एक इथरनेट 4 का, इथरनेट 4 की आप पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, और फिर डिवाइस में जाके अपनी हाई अवेलेबिलिटी में जाके सेटअप में जाके इसको अनेबल करके
ग्रुप देंगे, एक्टिव पैसिव करवाएंगे और लिंक स्टेटस सेट करेंगे और डिवाइस प्रायोरिटी को हमेशा प्रिंट पे चेक लगा देगा। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।